ओके, सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। तो इसमें देखो, जैसे हम बहुत सारी चीजें नॉर्मली पढ़ते चले आते हैं, लाइक डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन जीरो होता है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो होता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ आई हैव अ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए जनरल एक्सप्रेशन, अ जनरल एक्सप्रेशन एज लाइक दिस। ठीक है, जस्ट अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, प्रायर टू दिस कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ, तो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस दैन जीरो, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन जीरो, या अगर मेरे पास ऐसा कुछ गिवन रहता है तो व्हाट विल हैपन इफ ए इज ग्रेटर दैन जीरो, सी इज ग्रेटर दैन जीरो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है, जिसका हमें बेसिक सिग्निफिकेंस पता होता है, बट जब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक बेटर पिक्चर मिलती है कि एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स वो क्या रहा है। और अगर ग्राफ से ग्राफ आपको समझ में आता है तो काफी ईजी हो जाती है मैथमेटिक्स आपके लिए, पर्टिकुलरली दिस चैप्टर। दिस चैप्टर बिकम्स वे टू ईजी फॉर यू गाइज। ठीक है, अब देखते हैं फिर कैसे होता है। तो जब भी मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, व्हेन एवर आई हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन है तो किसी चीज से इक्वेट होगी। अगर इक्वेशन नहीं होती है तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, लाइक ओनली दिस टर्म विल बी नोन एज एक्सप्रेशन। व्हेन यू आर इक्वेटिंग दिस एक्सप्रेशन विद समथिंग, देन दिस इज एन इक्वेशन। ओके, सो लेट्स से आई हैव दिस इक्वेशन, एंड अब मैंने क्या किया कि कुछ मैंने प्लॉट करने की कोशिश की। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ 2 डिग्री कर्व होता है। ठीक है, 2 डिग्री कर्व से समझते हो ना सब लोग क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। लाइक 1 डिग्री कर्व इज अ लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मिलती है कैसी भी, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स मिलती हैं। वेर इन 2 डिग्री कर्व में क्या होता है, 2 डिग्री कर्व में यू गेट अ कर्व, कर्व एज अ कुछ ऐसा सा मिलता है, ठीक है, या तो फिर कुछ ऐसा सा मिलता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस वैल्यूज यू गेट अ 2 डिग्री कर्व। तो इस टाइप के कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला, इस टाइप के कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, यू टाइप का कर्व बनता है, चाहे उल्टा यू चाहे सीधा यू, ठीक है, एंड सो ऑन। तो दीज टाइप ऑफ कर्व्स आर नोन एज पैराबोला। तो फॉर अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यू गेट पैराबोला। अब ये पैराबोला किस टाइप पे होगा, किस साइड में होगा, किस कोऑर्डिनेट में होगा, दैट दीज वैल्यूज डिपेंड अपॉन द कोफिशियंट्स ए बी एंड सी। और वो कैसे डिपेंडेंट होती है तो देखते हैं। देखो, सबसे पहला कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, दो तरह की चीजें पॉसिबल होती हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो, तीन तरह की चीज पॉसिबल होती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन जीरो, एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो देखो, जब भी मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो होता है तो हम बोलते हैं कि रियल रूट्स हैं एंड अनइक्वल रूट्स हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं, रियल रूट्स एंड अनइक्वल। लेस दैन जीरो के लिए नो रियल रूट्स, एंड डी इज इक्वल्स टू जीरो के लिए कॉमन रूट कंडीशन हो जाती है, लाइक बोथ द रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखो, इसको अगर मैं ग्राफ से प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो आपको पता है कि किसी भी ग्राफ में इफ मेरे पास रूट्स हैं तो उसका ये मतलब होता है कि किसी भी दो पॉइंट पे द इक्वेशन वुड बी कटिंग कटिंग द एक्स एक्सिस, पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस, किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे द इक्वेशन विल बी पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस। एंड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, जैसे जस्ट लेट्स से दिस इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो मुझे एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जहाँ पे लेट्स से वाई इज इक्वल्स टू ये गिवन था, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है जहां पे दिस एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। तो आपने लेट्स से अल्फा रखा एक्स की जगह, तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू अल्फा पे वाई की वैल्यू जीरो आ रही है। लाइक वाई एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इट्स वाई करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो फॉर दैट, राइट, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना। अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो करस्पॉन्डिंगली वाई एक्सिस पे पॉइंट जीरो है, लेट्स से दिस इज वन, तो 1,0 इस पॉइंट को बोलते हैं, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। तो सिमिलरली इफ आई हैव टू सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन, तो आई हैव टू कीप द वैल्यूज ऑफ एक्स इन सच अ वे जहां पे मेरा वाई इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो जहां पे भी ये कर्व है, तो जहां पे भी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स आर द वैल्यूज जहां पे ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो जहां पे कट करता है, जहां पे ये ग्राफ को कट करता है,
इसको बोलते हैं कि यहाँ पे इसके हमें रूट्स मिलेंगे। तो जो अल्फा और बीटा आपके रूट्स आते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है, मुझे दो रियल रूट्स मिलते हैं और दोनों अनइक्वल होते हैं, दोनों अनइक्वल होते हैं बिकॉज एक यहाँ पे है नंबर लाइन पे, तो एक यहाँ पे है रियल एक्सेस लाइन पे, आप देख सकते हो। व्हाट विल हैपन इफ दिस डी इज इक्वल टू जीरो? तो डी इज इक्वल टू जीरो में क्या होता है ना कि दोनों रूट सिंस इक्वल होते हैं, सिंस बोथ द रूट्स आर इक्वल, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है। मतलब एक ही ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पे वाई एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, जहां पे इस एक्सप्रेशन में वाई इज इक्वल टू जीरो हो रहा होगा। तो आई विल बी गेटिंग दैट जस्ट वन पॉइंट, और उस पॉइंट के लिए फिर आप इस चीज को फील भी कर पा रहे हो या कुछ लोगों को पता भी होंगे कि द एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वाई इज इक्वल टू जीरो है, एंड और एक ही ऐसी पॉसिबल, मतलब ये एक ही पॉइंट है तो दोनों रूट्स इक्वल हो गए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया। दैट इज बाय इस टाइप के कर्व को हम बोलेंगे कि डी इज इक्वल टू जीरो के लिए है, इस टाइप के कर्व को बोलेंगे कि डी ग्रेटर देन जीरो के लिए है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन डी इज लेस देन जीरो? तो जब डी इज लेस देन जीरो होता है तो देखो मेरे पास कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा होगा, कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा होगा, तो इक्वेशन कैसी होगी? इक्वेशन बिना एक्स एक्सिस को टच किए ऊपर से पास हो रही होगी, ऊपर से पास हो रही होगी। कैसे देखते हैं, लाइक एक्सप्रेशन विल बी रिजल्टिंग इन दिस वैल्यू, लाइक ये आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ अगर आपका ऐसा आ रहा है, वेयर इन दिस इज माई कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एक्सेस, एंड एक्स एक्सेस को बिना कट किए वो ऊपर से पास हो गया या बिना कट किए नीचे से पास हो गया, ठीक है? तो ऐसे टाइप के पैराबोलास, उल्टा वाला भी पैराबोला होता है ना, ऊपर वाला भी होता है, नीचे वाला भी पैराबोला होता है, तो कुछ ऐसे पैराबोलास पॉसिबल होगा जहां पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया। तो ये सारे पैराबोलास क्या देते हैं? नो रियल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन जीरो। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नो रियल रूट्स, क्योंकि रियल रूट्स के लिए क्या होता है, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस इज माई रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस को कट करना चाहिए, रियल नंबर वाली एक्सिस होती है ना एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी उल्टा पैराबोला भी पॉसिबल था, लाइक डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो के लिए भी आप ऐसा भी बना सकते थे। तो देखो दो जगह कट कर रहे हैं, ये भी अल्फा बीटा हो सकते थे, ठीक है? तो दिस वॉज ऑल्सो पॉसिबल, एंड सेम गोज फॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल जीरो में कुछ ऐसा सा भी कर्व हो सकता था, लाइक अल्फा एंड बीटा वुड हैव बीन द सेम पॉइंट्स, ठीक है? अल्फा एंड बीटा वुड हैव बीन द सेम पॉइंट्स, तो वो डाउनवर्ड पैराबोला भी पॉसिबल था। अब ये तो हो गया डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे, और अल्फा बीटा क्या सिग्निफाई करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द कोफिशियंट्स, तो कोफिशियंट्स में देखो एक ए आता है, एक सी आता है, पहले ए और सी का सिग्निफिकेंस समझते हैं। डी का सबको समझ में आ गया होगा आई गेस, डी में तो आप लोगों को ये आइडिया रहा भी होगा पहले से। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ दिस एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में व्हाट इज द रोल ऑफ ए, साइन ऑफ ए क्या करता है? तो देखो साइन ऑफ ए, अगर मेरा डाउनवर्ड पैराबोला है कि अपवर्ड पैराबोला है, ए डिसाइड करता है अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है? ए डिसाइड करता है कि अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो तो द पैराबोला इज अपवर्ड, इफ ए इज लेस देन जीरो तो द पैराबोला इज डाउनवर्ड। जैसे मान लो कोई भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो और मैंने बोल दिया कि इसके दो रियल रूट्स हैं, टू रियल रूट्स पॉसिबल हैं, तो पैराबोला कैसा हो जाएगा? पैराबोला विल बी अपवर्ड बिकॉज ए कैसा है, ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो पैराबोला अपवर्ड हो जाएगा और दो रियल रूट्स पॉसिबल हैं तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। वेयर एज अगर मैंने ऐसा बोल दिया होता कि माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, कुछ भी ले लो यहाँ पे, ठीक है? तो द पैराबोला वुड हैव बीन, और मैंने बोल दिया कि हैज वन रूट, हैज वन रियल रूट, ऐसा कुछ, तो पैराबोला कैसा हो जाता? एक तो ए लेस दैन जीरो है, या ए इज लेस दैन जीरो तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, हैज वन रियल रूट तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो ऐसा कुछ कंडीशन हो जाएगा, ठीक है? तो ए के साइन भी समझ में आ गया होगा। नाउ साइन ऑफ सी, अभी मैं तीनों को कंबाइन करूंगा। सिद्धार्थ खारगर, आप सिद्धार्थ बेटा, आपका पूरा नाम सिद्धार्थ गौर ही है ना, लाइक आप ही ने रीनेम किया ना अपने आपको?
ओके, एक ही सिद्धार्थ है। ओके, नाउ द साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी। देखो साइन ऑफ सी क्या होता है, लेट्स से अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो देखो अगर मैंने इसमें एक्स की वैल्यू जीरो डाल दी, इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एज जीरो, तो आई विल बी गेटिंग सी। तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो डाल रहा हूँ वाई की, मतलब द एक्सप्रेशन फॉर वाई आई एम गेटिंग एज सी, तो एक्स की वैल्यू जीरो वाई इज इक्वल टू सी, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, कोई बता सकता है क्या? इस चीज से आपको क्या समझ में आ रहा है? लाइक इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एज जीरो आई एम गेटिंग वाई एज सी, तो ग्राफिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? स्लोप जीरो। स्लोप जीरो? नहीं बेटा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब फॉर्म आती है तब हम एम को स्लोप बोलते हैं, इसको तो स्लोप नहीं बोलेंगे, स्लोप तो इस कर्व में आएगा ही नहीं अभी। कोई और? नहीं बता। देखो जब एक्स जीरो हो रहा है तो ऐसा कौन सा, मतलब लाइक लेट्स से इफ आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो देखो अगर मैंने एक्स को जीरो कर दिया, इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एक्स, तो बेसिकली सी क्या हो गया? सी इज गिविंग मी कि वाई एक्सिस को वो कहां पे कट कर रहा है, C is giving me a value कि y axis को वो कहाँ पे कट कर रहा है। Like if I'm saying that C की value positive है, तो C positive y axis को कट कर रहा है। If I'm saying that C is negative, तो C negative x axis को कट कर रहा है। Negative y axis को कट कर रहा है। ऐसा। Negative y axis को कट कर रहा है। ठीक है? If C is positive, तो C is cutting positive y axis. X की value zero substitute करोगे, C positive आ रहा है, तो positive y हो जाएगा। ये ऊपर वाला positive y होता है, नीचे वाला negative y होता है ना? अपने आप समझ जाओगे। उल्टे पैराबोला में भी देख लेते हैं, उल्टे पैराबोला में भी इफ सी इज पॉजिटिव तो कुछ ऐसा सा आ रहा होगा, सी इज पॉजिटिव, या उल्टे पैराबोला में भी इफ सी इज नेगेटिव तो कुछ ऐसा सा भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे सी इज नेगेटिव, बहुत तरह से आप समझ सकते हो सी का साइन से। अब क्या समझ रहे हो? तो सी के साइन सबको समझ में आ रहा है कि क्या रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा। क्लियर? अब लेट्स कंबाइन दीज थ्री पॉइंट्स, लेट्स कंबाइन दीज थ्री पॉइंट्स और जितने तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं वो लिखते हैं, ठीक है? तो ऑल टुगेदर देयर आर सिक्स टाइप ऑफ ग्राफ्स दैट आर पॉसिबल, ठीक है, सिक्स टाइप ऑफ ग्राफ्स दैट आर पॉसिबल। तो वन इज, बस ए और डी के बेसिस पे भी देखते हैं, ठीक है, ए इज ग्रेटर दैन जीरो, डी इज ग्रेटर दैन जीरो, तो कैसा सा ग्राफ आएगा? कुछ ऐसा सा आएगा, ठीक है, दो रियल रूट्स मिलेंगे और a इज ग्रेटर दैन जीरो। इफ a इज ग्रेटर दैन जीरो d इज इक्वल टू जीरो, तो कैसा ग्राफ आएगा? कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा। a इज ग्रेटर दैन जीरो का मतलब अपवर्ड पैराबोला हो गया। इफ a इज ग्रेटर दैन जीरो d इज लेस दैन जीरो, तो कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा सा ग्राफ आएगा। इफ a इज लेस दैन जीरो d इज ग्रेटर दैन जीरो, तो एक डाउनवर्ड पैराबोला आएगा कुछ ऐसा सा। If a is less than 0, d is equal to 0, तो downward parabola ऐसा। And if a is less than 0 and d is also less than 0, तो downward parabola without touching। ये six type के graph possible है। यहाँ के लिए बोल सकते हो roots real और distinct हैं। यहाँ के लिए roots are coincident, ठीक है? इन दोनों figure के लिए roots are coincident। Coincident मतलब एक ही points पे lie कर रहे हैं। और यहाँ के लिए बोल सकते हो इन दोनों केसेस के लिए कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट, ठीक है? अभी तक हमने साइन ऑफ बी नहीं देखा है, साइन ऑफ बी की बात करते हैं अभी, ठीक है? साइन ऑफ बी की बात करने से पहले, इफ यू गाइज रिमेम्बर फ्रॉम डे वन जो मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप लोग को बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो याद है मैंने इसको श्रीधराचार्य रूल को प्रूव करने के लिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया था, एंड मैंने फिर कुछ ऐसी सी इक्वेशन बनाई थी, x माइनस एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे a का एक मल्टीप्लिकेशन था, y इज इक्वल्स टू आर्यन बेटा भी होल्ड करो, चीजें समझो पहले, बाकी सारी चीजें नोट करने का टाइम मिलेगा। तो देखो अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ गया y इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसी एक्सप्रेशन को एडजस्ट करके आता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैंने बोला था कि ए को पहले कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए, और फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या कहते हैं कैसे एक्सप्रेशन का वो बनाते हैं, एक्स प्लस जो भी साइन होता है इसका हाफ ले लो, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर किया था, फिर याद है ऐसा सा एक्सप्रेशन एडजस्ट होकर के आया था। तो दिस इज दैट थिंग, ठीक है, जो दोनों स्टूडेंट्स इनको छोड़ करके बाकी सबको समझ में आना चाहिए ये। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहां से अगर मैं कहूं कि आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। अच्छा बिफोर स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट एक बार प्रीवियस पेज पे आते हैं। अच्छा मैंने अगर पूछा ये पर्टिकुलर पोर्श ग्राफ है, लेट्स से मेरे पास ये पर्टिकुलर ग्राफ है केस वन टाइप, तो केस वन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बता सकते हो क्या? लेट्स से आई हैव एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड मैं y की मिनिमम और y की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो कैन एनी वन प्लीज अनम्यूट एंड लेट मी नो कि वॉट दे आर गेटिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। क्या आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन से कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है तो वॉट विल द मिनिमम वैल्यू ऑफ y एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस ग्राफ? इस ग्राफ को देख करके आप कैसे समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? एनी वन देखो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफिनिटी जा रही है ना, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है इस पर्टिकुलर ग्राफ पे? अगर y की मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो एक्सप्रेशन में अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो y की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, राइट? राइट हैंड साइड इन्फिनिटी रखूंगा, इतना तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। देखो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, मिनिमम वैल्यू इस वर्टेक्स पे मिल रही है, इस वर्टेक्स पे मिल रही है y की। देखो y की जो भी ये वैल्यू होगी दिस विल बी y मिनिमम वैल्यू, इससे नीचे y की कोई वैल्यू मिल सकती है क्या आपको फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ? नहीं मिल सकती है, राइट? सिमिलरली yes. अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू? इनफिनिटी एंड जीरो। y minimum will be 0 and y maximum will be infinity. Yes sir. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं minimum और maximum की बात करूँगा तो minimum will be again y minimum will also be greater than 0 and y maximum will be infinity. Infinity. और यहाँ पे y जो minimum होगा वो भी less than 0 होगा, ये सबको समझ में आ रहा होगा, right? y yes. minimum less than 0 क्यों होगा? 0 से नीचे आ रहा है ना y, और यहाँ पे 0 से ऊपर आ रहा है इस particular situation में। Whereas इस पर्टिकुलर सिचुएशन में y मिनिमम और y मैक्सिमम क्या होगा? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बताओ y मिनिमम और y मैक्सिमम क्या होगा? सर y मिनिमम इनफिनिटी होगा और y मैक्सिमम ग्रेटर देन 0। राइट, y मिनिमम मेरा माइनस इनफिनिटी होगा, माइनस इनफिनिटी होगा, और y मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरा? ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, मतलब ऐसे वैल्यू जिसको हम कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो y मैक्सिमम कितना आ जाएगा? y मैक्स विल बी 0 इनफिनिटी। नहीं बेटा, y मैक्स 0 रहेगा और y मिनिमम, सॉरी सर, मिनिमम माइनस इनफिनिटी। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, राइट? तो देखो जो मेरा वर्टेक्स है that vertex is deciding my maximum or minimum value, that vertex is deciding my maximum or minimum value. तो vertex जो है वो तो a पे dependent है, vertex जो है वो तो a पे dependent है कि maximum आएगी कि minimum आएगी, ठीक है? मतलब as in कि अगर a greater than 0 हो गया तो वो minimum की तरह act करेगा, अगर same वही a less than 0 हो गया तो वो maximum की तरह act करेगा। तो minimum value है कि maximum value है that depends upon a, ये point समझ में आ रहा है? देखो अगर a greater than 0 हो गया तो वही वर्टेक्स मेरा
मिनिमा किधर एक्ट करेगा, अगर a लेस देन 0 हो गया सेम डेटा के लिए, तो वही y मिनिमम मेरा मैक्सिमम की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज पैराबोला एकदम उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वही मेरा वर्टेक्स विल एक्ट एज अ मैक्सिमा इफ a विल बी लेस देन 0. तो a के साइन पे मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंड है, a के साइन पे मेरा मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंड है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो a पे डिपेंडेंट नहीं है, कोऑर्डिनेट्स जो है वो a पे डिपेंडेंट नहीं है. तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स की कहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, बेसिकली मुझे बेसिकली वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो a पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हाउ कैन आई फाइंड द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कोई भी, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है तो हाउ कैन आई फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस. अच्छा, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन? जीरो. अच्छा, मान लो मैंने बोल दिया कि a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. अब आई हैव बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं माइनस मैं d लिख रहा हूँ, ठीक है. बी स्क्वायर माइनस 4ac को आई एम राइटिंग एज d, एंड इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ प्लस ऑफ माइनस d, तो लिख सकता हूँ ना राइट, यहाँ पे एक माइनस साइन लेकर के, ठीक है. तो प्लस ऑफ माइनस d लिख लिया इस पूरे एक्सप्रेशन को. इनइक्वालिटी मिल सकती है, इनइक्वालिटी मिल सकती है, ओके. नहीं, इनइक्वालिटी पे नहीं जाते हैं अभी, ठीक है. देखो, कोई चीज मेरे पास समथिंग का स्क्वायर है प्लस कोई चीज मेरे पास ऐसे ही रिटर्न है, ठीक है. और लेट से मैंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को भी ग्रेटर दैन जीरो बोल दिया है, डिस्क्रिमिनेंट को भी ग्रेटर दैन जीरो बोल दिया, तो आई हैव दिस एक्सप्रेशन, ठीक है. और आपको पता है कि a इज ग्रेटर दैन 0 और d भी ग्रेटर दैन 0 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ वर्टेक्स, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा. तो आई एम सेइंग दैट समथिंग पॉजिटिव में आप कुछ ऐसा सा ऐड कर रहे हो, तो व्हाट कुड बी द मिनिमम वैल्यू, व्हेन विल यू बी गेटिंग द मिनिमम वैल्यू, यू विल बी गेटिंग द मिनिमम वैल्यू जब यू विल बी गेटिंग द मिनिमम वैल्यू जब ये वाला एक्सप्रेशन this whole expression becomes zero. ध्यान से सुनना, something का square है तो वो positive है, ठीक है, positive है, मतलब greater than equal to zero है ये वाला चीज, ठीक है. और उसमें plus minus कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे कुछ और constant value लिखी हुई है, तो आपको इस पूरे expression की minimum value तब मिलेगी जब ये वाले positive की value equal to zero हो जाए, क्योंकि ये तो आपका एज अ कॉन्स्टेंट एक्ट कर रहा है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट इसको आप क्या कर सकते हो मिनिमम करने के लिए, मतलब एज इन की ध्यान से देखो, मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डी फिक्स रहेगा, 4a² फिक्स रहेगा, आपको मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी जब एक्स की वैल्यूज आप चेंज करोगे. तो एक्स की वैल्यू एक ही वेरिएबल है मेरे पास, एक्स है इसमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो फॉर ये जो वैल्यू है मेरे पास ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दी हुई है, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी बड़ी रहेगी, या तो फिर ये वैल्यू जीरो रहेगी. अगर पॉजिटिव रहेगी और पॉजिटिव में आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, लाइक प्लस आप कर रहे हो ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा. तो फॉर दिस होल एक्सप्रेशन टू बी मिनिमम हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए कर ले, मतलब इस पॉजिटिव वाली चीज को, इस पॉजिटिव वाले फैक्टर को जीरो करने की कोशिश करेंगे. तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी मेरी वो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे आएगी. जो मिनिमम वैल्यू आएगी मेरी वो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे आएगी. x की वैल्यू अगर मैंने माइनस बी बाई टू ए रखा तो ये पूरा का पूरा फैक्टर जीरो हो गया. अब y की जो भी वैल्यू आएगी उसका x कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया माइनस बी बाई टू ए. दूसरा y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर x की वैल्यू आपने यहाँ पे ही देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू आपने माइनस बी बाई टू ए सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया. तो y क्या आ गया यहाँ पे
माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर आ गया, माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर आ गया। हाँ अभी अब हम कांस्टेंट चेंज नहीं कर सकते, इसलिए एक्स प्लस बी बाई टू में हमने x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए पुट की, क्योंकि उसको इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। बेटा अभी एक मिनट वो समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर आएगा, एक ए मल्टीप्लीकेशन में भी है, राइट, एक ए मल्टीप्लीकेशन में भी है, तो उसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई फोर ए। अब देखो मेरे जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वर्टेक्स के, जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। अब देखते हैं वापस से क्वेश्चन में, जो अभी मैं एक बार वापस से समझा रहा हूँ इस पॉइंट को। देखो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था, ये सिक्स टाइप के ग्राफ पॉसिबल थे, ठीक है, इन्हीं सिक्स में से कोई ना कोई ग्राफ होगा। अब सी की वैल्यू भी अगर इग्नोर कर लोगे तो सी पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, और भी फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो लेट से कि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मिनिमम और मैक्सिमम वर्टेक्स पे लाई करेगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया था, राइट, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू विल लाई ऑन वर्टेक्स। अब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था वो कुछ ऐसा सा इक्वेशन गिवन था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वॉज गिवन एज वाई इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर, माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर। तो फॉर दिस एक्सप्रेशन टू गिव मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कुछ मुझे ऐसा चाहिए, देखो या तो ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगी हमेशा, तो मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो मिनिमम की तरह भी एक्ट कर सकता हो, मैक्सिमम की तरह भी एक्ट कर सकता हो, जो मिनिमम की तरह भी एक्ट कर सकता हो, मैक्सिमम की तरह भी एक्ट कर सकता हो। तो देखो अगर ए का साइन, ठीक है, अब देखो क्या चीज है, छोड़ो, मतलब एज एन सेम वर्टेक्स विल एक्ट एज मैक्सिमा एंड सेम वर्टेक्स विल एक्ट एज मिनिमा फॉर डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ ए। अगर ए लेस दैन जीरो है तो दिस पॉइंट विल एक्ट एज वर्टेक्स, और दिस वर्टेक्स विल एक्ट एज मैक्सिमा इन ऑल द केसेस, इन ऑल द केसेस द वर्टेक्स इज एक्टिंग एज मैक्सिमा। इफ ए इज ग्रेटर दैन जीरो देन द वर्टेक्स इज एक्टिंग एज मिनिमा फॉर ऑल द केसेस, ओके। तो वही सेम वर्टेक्स मेरा उसकी तरह भी एक्ट कर रहा है, क्या कहते हैं, मैक्सिमा की तरह भी एक्ट कर रहा है, मिनिमा की तरह भी एक्ट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ ए। नाउ आई हैव दिस एक्सप्रेशन, नाउ आई हैव दिस एक्सप्रेशन, लेट्स से आई हैव डिसाइडेड टू लाइक आई हैव डिसाइडेड इन दिस वे कि एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी सी रखनी है कि दिस एक्सप्रेशन बिकम्स माई मिनिमा, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स माई मिनिमा। तो फॉर दैट इफ आई एम कीपिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एज माइनस बी बाई टू ए, एक्स एज माइनस बी बाई टू ए, तो देखो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, आप ये ध्यान रखना कि आप वाई को मिनिमम नहीं कर रहे हो, मतलब एज एन छोड़ो छो, एक्स की वैल्यू अगर मैंने माइनस बी बाई टू ए रखी तो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को मेरी मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। एंड वंस दिस एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो, तो देखो कोई चीज पॉजिटिव है उसमें आप कोई चीज और ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग समथिंग इन दैट, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन मतलब पॉजिटिव में अगर कोई चीज ऐड कर रहे हो, तो अगर मैंने ये जो पॉजिटिव है इसी को जीरो कर दिया, तो जो चीज ऐड कर रहा हूँ बस वही मेरा फाइनल पॉइंट हो जाएगा, मतलब वही मेरा रहेगा। तो लाइक अगर मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर लिया, उसमें कुछ और ऐड करूंगा तो और बड़ी चीज आएगी, मेरा पॉइंट ये है कहने का। तो फॉर दैट, फॉर दिस थिंग, मतलब इस एक्सप्रेशन को मिनिमम करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए सब्सटीट्यूट की, एंड एज I will be substituting the value of x is equals to minus b by 2a. I am getting y is equals to, देखो इसको minus b by 2a substitute करोगे तो ये expression zero हो गया, क्या बचा, minus d by 4a square multiply by a, तो a से a cancel out हो जाएगा and you will be left with minus d by 4a. तो ये मेरे vertex के coordinate होते हैं, ये मेरे vertex के coordinates होते हैं minus b by 2a and minus d by 4a. जहाँ पे x axis, x का coordinate होता है minus d by 4a and y का coordinate होता है minus d by 4a. तो अगर मैं पूछूं कि इस पर्टिकुलर इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप मिनिमम वैल्यू बता सकते हो कि क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कोई बताओ, माइनस डी बाई फोर ए, राइट, माइनस डी बाई फोर ए, और वो किस पॉइंट पे आएगी, तो माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए पे आएगी, मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस डी बाई फोर ए,
अब वो किस पॉइंट पे आएगी, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए पे आएगी। देखो मिनिमम वैल्यू का मतलब हो गया वाई का पॉइंट हो गया, तो वाई मिनिमम, तो वाई क्या है माइनस डी बाई फोर ए है, तो मिनिमम वैल्यू विल बी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस विल बी माई मिनिमम वैल्यू, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एंड दिस होल दिस वर्टेक्स विल बी माई पॉइंट जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही है, पॉइंट जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब पूछो जिसको जो डाउट है। सर हमने x equals minus b by 2a क्यों रखा? क्योंकि अच्छा बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर समथिंग का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस मैंने कोई चीज ऐड की है, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, मतलब एज एन आपको ये चाहिए कि ये एक्सप्रेशन शुड बी मिनिमम, दिस होल एक्सप्रेशन शुड बी मिनिमम, तो ये जो आप स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, ये जो आप स्क्वायर कर रहे हो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रखोगे? जीरो। स्क्वायर शुड बी जीरो, तो आपको मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, लेट्स से मैंने ऐसा बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो अब देखो इस एक्सप्रेशन का आपको मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू टू मिल सकती है, बाकी जो भी आप एक्स की वैल्यू रखोगे ये हमेशा ग्रेटर दैन टू आएगा, तो आपको मिनिमम चाहिए तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर दोगे जीरो से। तो सिमिलर प्रोसेस कि अगर मुझे यहाँ पे इस चीज का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आई एम इक्वेटिंग दिस विद जीरो, तो इक्वेट करोगे इसको जीरो से कि लाइक ए स्क्वायर वाले टर्म को जीरो कर दूं तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे हो रहा है वो। ओके नेक्स्ट सर, ये जो इक्वेशन है ये अपने फर्स्ट ग्राफ के रिस्पेक्ट नहीं, ये सबके लिए, सबके लिए वैलिड रहेगी सर, तो फिर सेकंड वाले ग्राफ में कैसे ये होगा? बता रहा हूं। आगे और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट सर, मतलब अपने y लेस देन 0 चाहिए, इसलिए अपने x इसलिए अपने वो जो इक्वेशन है x plus b upon 2a का होल स्क्वायर उसको लेस देन और इक्वल टू ऐसे किया, मतलब मुझे वो समझा नहीं, लेस देन और इक्वल टू 0 क्यों किया आपने? ये एक्सप्रेशन या तो 2 से, अगर कोई चीज का स्क्वायर लिखा है तो वो 0 से बड़ा रहेगा या 0 रहेगा, राइट? हां सर, तो बस वही तो लिखा सर, हुआ है। हां सर, समझा समझा। सर मिनिमम वैल्यू के बाजू में क्या लिखा है? मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दोनों के लिए काम करेगा। ओके अब देखो यहां पे क्या होता है ना, यही सेम वर्टेक्स, ठीक है, यही सेम पॉइंट मेरा जो होता है ये माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, यही सेम मेरा वर्टेक्स होता है और यही वर्टेक्स मेरा मैक्सिमम के, देखो एक बार आपने वर्टेक्स निकाल दिया, एक बार आपने वर्टेक्स निकाल दिया अगर, ठीक है, तो वर्टेक्स निकालने के बाद आपको क्या पता चल जाता है, वो चाहे वो ए का साइन अगर ग्रेटर दैन जीरो कर दोगे तो ऐसा वर्टेक्स आ जाएगा, ए का साइन अगर आपने लेस दैन जीरो कर दिया तो वही सेम पॉइंट रहेगा, बस ग्राफ कुछ ऐसा सा चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो वर्टेक्स तो फिर भी सेम ही रहेगा ना, वर्टेक्स विल नॉट चेंज, तो डिपेंडिंग अपॉन ए दिस वर्टेक्स, जो मैंने वर्टेक्स का इक्वेशन निकाला है, वर्टेक्स के पॉइंट्स निकाले हैं, दिस वर्टेक्स विल एक्ट एज मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स। प्रथमेश समझ में आया? दैट इज व्हाई ये दोनों के लिए वैलिड रहेगा। ओके सर, सर पर फिर सेकंड वाले में कैसे होगा कि क्योंकि ए इज ग्रेटर देन 0 और डी इज इक्वल टू 0 है, तो क्या प्रॉब्लम है, डी इज इक्वल टू 0 करोगे तो वाई का एक्स 0 होना चाहिए, राइट? ओके सर, तो माइनस बी बाई टू ए और डी अगर जीरो कर दोगे तो वाई एक्स जीरो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ गया, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो अपने आप हो जाएगा। ओके सर, ओके यस आर्यन, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे होता है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए पे होता है, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस डी बाई फोर ए होती है।
ओके यस सर ओके किसी और को कोई डाउट हाँ बताओ नहीं है ओके जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बेटा आप लोगों को समझ में आया यस सर ओके ठीक है तो देखो नेक्स्ट इज मतलब नेक्स्ट नहीं है इसी का आगे कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ अब देखो डिपेंडिंग अपॉन साइन ऑफ बी कैसे निकालेंगे तो साइन ऑफ बी आप कैसे भी निकाल सकते हो लाइक साइन ऑफ बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा लेट्स से हैव बीन गिवन दैट ए इज ग्रेटर दैन जीरो सी इज ग्रेटर दैन जीरो ठीक है और लेट्स से आपको दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव ठीक है अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है इफ ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो बी कैसा होना चाहिए व्हाट शुड बी द साइन ऑफ बी नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए बी इज लेस देन जीरो तो ये सारी चीजें आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं साइन ऑफ बी बाकी सारी की चीजों पे डिपेंडेंट होता है अगर मान लो मैंने ग्राफ दे दिया कुछ ऐसा सा तो व्हाट विल बी द साइन ऑफ बी हियर एनीवन साइन ऑफ बी इस ग्राफ को देख करके साइन ऑफ बी क्या होगा नेगेटिव कैसे बेटा नेगेटिव होगा एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर उसके रूट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में राइट करेक्ट देखो रूट्स आपके पॉजिटिव हैं ठीक है रूट्स पॉजिटिव हैं अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं ऑल्सो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव है ए ग्रेटर दैन जीरो है सी इज ग्रेटर दैन जीरो तो बेसिकली जो ऊपर वाली कंडीशन मैंने दी थी ना वही सेम कंडीशन को मैंने एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया है दिख रहा है आप लोगों को सबको तो बी इज लेस दैन जीरो हो जाएगा इस सिचुएशन में अच्छा देखो अगर मैंने इस तरह से नहीं लिख करके ग्राफ ही दिया आप लोग तो आप सब खुद ही साइन ऑफ बी बता सकते हो लेट्स से द एक्सप्रेशन इज ऐसा अब कोई मुझे बताएगा वर्टेक्स इज नाइन हियर मतलब वर्टेक्स यहाँ पे साइन ऑफ बी बताओ तो जो जो चीजें पता है वो लिख लेते हैं ग्राफ को देख के ए इज लेस दैन जीरो राइट सी कैसा है सी पॉजिटिव है ओके अल्फा प्लस बीटा कैसा आएगा अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आएगा लेस दैन जीरो आएगा वर्टेक्स क्या करता है ना वर्टेक्स सिमेट्री देता है तो अल्फा हो गया ए तो लेस दैन जीरो है ना सर तो फिर माइनस बी अपॉन माइनस ही आएगा सर तो फिर अरे मेरे भाई ये वेरिएबल है यहाँ पे अपने आप ही ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती है ओके सर हाँ तो अल्फा प्लस बीटा लेस दैन जीरो आएगा ठीक है या ऐसा सोच लो कि माइनस बी बाई टू ए होता है ना ये वर्टेक्स एक्स एक्सिस और माइनस बी बाई टू ए वर्टेक्स इज लेस दैन जीरो माइनस बी बाई टू ए इज एक्स एक्सिस इज लेस दैन जीरो ए ग्रेटर दैन जीरो दिया हुआ है तो बी कैसा होना चाहिए यहीं से बता दोगे अल्फा प्लस बीटा छोड़ो माइनस बी बाई टू ए इज लेस दैन जीरो ये सबको दिख रहा है रेज योर हैंड जिसको नहीं समझ में आ रहा कि माइनस बी बाई टू इज लेस दैन जीरो बेटा पूछ लो अभी ऐसा तुरंत तुरंत वाला है तो क्लियर हो जाएगा देवल माइनस बी बाई टू एक्स एक्सिस होती है ना एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं एवरीवन वर्टेक्स का माइनस बी बाई टू ए क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है और देखो एक्स एक्सिस के किस साइड में लाई कर रहा है वर्टेक्स लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है तो माइनस बी बाई टू ए विल बी लेस दैन जीरो अभी सबको समझ में आया yes, ठीक है इफ तो माइनस बी बाई टू ए इज लेस दैन जीरो ए इज ग्रेटर दैन जीरो तो बी का साइन कैसा हो जाएगा अरे
अरे बेटा देखो, माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन जीरो, मैंने बोला ए ग्रेटर देन जीरो है, तो मैंने बोला था ना पॉजिटिव अगर कोई होता है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हर एलिमिनेट कर दो इसको। क्या आ रहा है, माइनस बी इज लेस देन जीरो, तो बी कैसा होना चाहिए, बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो ना, बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तभी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर बी को लेस देन जीरो ले लोगे तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लेस देन जीरो थोड़ी ना पॉसिबल है कभी, तो बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा एक और काम करते हैं, एक फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो वर्टेक्स क्या होता है मेरा, वर्टेक्स इज माई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सॉरी। अगर मेरे पास कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन गिवन है, द ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है ग्राफ इज लाइक दिस, तो नाउ यू नो कि दिस पॉइंट इज माइनस बी बाई टू ए, ठीक है एक्स एक्सिस का माइनस बी बाई टू ए है। अब माइनस बी बाई टू ए मेरा कैसा है, माइनस बी बाई टू ए इज लेस दैन जीरो, ठीक है जीरो के लेफ्ट में है, तो लेस दैन जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट इज लेस दैन जीरो। और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में एक ऐसा गिवन है, सॉरी यहाँ पे एक लेस दैन जीरो था, मैंने ए ग्रेटर दैन जीरो के लिए समझा रहा था। तो फॉर दिस एक्सप्रेशन ए इज लेस दैन जीरो, इफ ए इज लेस दैन जीरो तो देखो क्या हो गया, दिस माइनस एंड माइनस इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, नीचे वाला नेगेटिव एंड ऊपर एक माइनस साइन है, तो दीज थिंग्स आर गेटिंग कैंसल्ड आउट, तो बी कैसा आ रहा है, लेस दैन जीरो आ रहा है, बी कैसा आ रहा है, लेस दैन जीरो आ रहा है। वेयर एज अगर ऐसा ही इक्वेशन मेरे पास होता और वर्टेक्स वुड हैव बीन ऑन द राइट साइड, वर्टेक्स वुड हैव बीन ऑन द राइट साइड, तो देखो माइनस बी बाई टू ए कैसा होता मेरा, ग्रेटर दैन जीरो होता, ग्रेटर दैन जीरो होता, ए लेस दैन जीरो है, ए लेस दैन जीरो है, नीचे नेगेटिव लिखा हुआ है, ऊपर एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन इंटू नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी विल बी ग्रेटर दैन जीरो, बी कैसा आता, ग्रेटर दैन जीरो आता। तो बी का साइन अपॉन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस आप बता सकते हो खुद से, ठीक है बी के साइन के लिए ऐसा कोई लॉजिक नहीं है फिक्स। जैसे ए ग्रेटर दैन जीरो का मतलब हो गया अपवर्ड पैराबोला, ए लेस दैन जीरो का मतलब हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, सी ग्रेटर दैन जीरो का मतलब हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करना, सी लेस दैन जीरो का मतलब हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करना। ऐसे बी का कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस नहीं है, बी को हम आंसर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वर्टेक्स या डिपेंडिंग अपॉन ए का साइन सी का साइन अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। वर्टेक्स मेरे क्या हो जाते हैं, माइनस बी बाई टू ए, मिनिमम वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए मेरा वर्टेक्स होता है, ठीक है एंड मेरी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई फोर ए। तो आई होप ये सबको, ये पाँच छः पॉइंट सबको समझ में आ गए होंगे, ऑल टुगेदर यही है बस। तो क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर वन विल बी, एक सेकेंड, किसी ने चार्ट सेक्शन में कुछ लिखा है आदित्य? हाँ आपको आदित्य बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू याद रखनी है, और आपको याद रखना है ए ग्रेटर देन जीरो का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ए लेस देन जीरो का क्या सिग्निफिकेंस होता है, और इन सब चीजों से आप एक बार ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है। आर्यन क्या नहीं क्लियर है बेटा आपको, अब बताओ। सर आप जो बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, मतलब इधर तक समझा b is greater than 0 तक। ओके तो यहाँ तक जो समझा तो फिर इसी के बाद तो समराइज किया जाए जो पीछे वाली चीजें हैं उसको। यही तो सारी चीजें समराइज की कि a greater than 0 का मतलब अपवर्ड पैराबोला, a less than 0 का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब दो रूट्स, लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट्स ग्राफ के थ्रू। उसके बाद फिर मैंने वर्टेक्स बताया, वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई फोर ए माइनस डी बाई फोर ए, माइनस बी बाई फोर ए माइनस बी बाई टू ए और कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू विल बी माइनस डी बाई फोर ए। वो बात है पर आपने बोला ना साइन ऑफ बी वाला, वही समझ में नहीं आ रहा। साइन ऑफ बी के लिए मैंने बोला कि कुछ भी फिक्स नहीं होता, आप निकालोगे डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस, मैंने कुछ बताया ही नहीं उसके लिए। ओके सर ये तो समझ गया ना यहाँ पे बी ग्रेटर देन जीरो क्यों है, ये भी नहीं समझा सर एक बार रिपीट करो।
बेटा यहाँ पे मैंने ये बताया था कि लेट्स से आई हैव अ वर्टेक्स, वर्टेक्स कहाँ लाइक कर रहा है, यहाँ पे लाइक कर रहा है वर्टेक्स, दिख रहा है? यस सर। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए, राइट? और एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, जीरो के राइट में है, तो ग्रेटर देन जीरो है, टू थ्री फोर कुछ होगा, यस सर। तो माइनस बी बाई टू ए जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ए कैसा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बताओ आर्यन। सो स्मॉलर देन जीरो, ए लेस देन जीरो है क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है, यस। ए लेस देन जीरो है तो नीचे अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो रखोगे, माइनस टू माइनस थ्री कुछ रखोगे, तो नीचे की वैल्यू नेगेटिव आएगी, राइट? यस सर। ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ ठीक है? तो क्या बचा, बी की, बी का साइन कैसा आएगा, बी ग्रेटर देन जीरो आएगा ना? ओके सर, समझा। ठीक है, तो ये था एक्सप्रेशन, तो बी का साइन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन आप निकाल सकते हो। ओके, तो वर्टेक्स का पॉइंट याद रखना, माइनस डी बाई फोर ए मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो याद रखना, ठीक है? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल रियल ऑफ x, फॉर ऑल रियल, फॉर ऑल रियल x इफ। ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस टाइप करना, बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो, सी स्क्वायर इज लेस देन बी, बी स्क्वायर इज लेस देन सी। अब देखो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा और बेटर समझ में आ जाए। मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो मतलब एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। इसका सबसे पहले तो ये बताओ कि ए किस है इसका, ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? क्योंकि ए इज वन, ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो पैराबोला कैसा आएगा, अपवर्ड आएगा। ओके, अब ये बोला है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन को, लेट्स से दिस एक्सप्रेशन इज वाई, तो इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स। एक्स की आप कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, वाई की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो ग्राफ कैसा सा आ रहा है, वापस से जाता हूं सिक्स ग्राफ्स वाले फिगर पे, अपवर्ड पैराबोला, तो ए ग्रेटर देन जीरो से ही डिसाइड हो गया बेटा, एज एन छह में से कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूरी नहीं है, क्वाड्रेंट जरूरी नहीं है, कहाँ गया वाला, यही वाला है ना, हाँ देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना ये आ रहा है, मतलब एज एन हमेशा वाई एक्सिस से ऊपर आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को बिना टच किए ऊपर से आ रहा है, इस पॉइंट को समझो, बिना एक्स एक्सिस को टच किए ऊपर से आ रहा है। क्यों ऊपर से आ रहा है, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखो, नेगेटिव वैल्यू रखो, पॉजिटिव वैल्यू रखो, आपको वाई हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, एज इन दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज गिविंग यू अ पॉजिटिव वैल्यू। ए ग्रेटर देन जीरो था तो अपवर्ड पैराबोला हो गया, एंड एक्स की आपने कोई भी वैल्यू रखी तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज गिविंग यू पॉजिटिव वैल्यू, देखो पॉजिटिव मिल रहा है कुछ, यहाँ पे आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो आपको पॉजिटिव मिल रहा है कुछ वाई, तो यू आर ऑलवेज गेटिंग अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन फॉर वाई। तो कैसा सा ग्राफ आ गया, ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, एज एन अपवर्ड पैराबोला नॉट टचिंग एक्स एक्सिस, नॉट टचिंग एक्स एक्सिस, दिख रहा है सबको? यस सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर ये समझ में आ गया तो देखो इसके लिए क्या होता है, फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो वाली कंडीशन हो गई, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, तो बी स्क्वायर करोगे तो फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए इज वन सी इज लेस देन जीरो, तो फोर कॉमन ले लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो या बी स्क्वायर इज लेस देन सी, कौन सा कंडीशन हो गया, कंडीशन डी फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। जब भी वैसे एक बात याद रखो कि जब भी मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है और इट ऐसा कुछ लिटरन है कि दिस सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स या द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हो रहा है कि एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। क्यों नहीं कट करेगा, उसका रीजन होता है, देखो अगर कट कर देगा तो कुछ पोर्शन में वाई नेगेटिव हो गया ना, ये शेडेड रीजन में वाई नेगेटिव हो गया ना, बट आपको क्या चाहिए कि वाई मतलब इस पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे। ठीक है, टच क्यों नहीं होगा, टच नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव टच मतलब जीरो इज नॉट पॉजिटिव, ओके जीरो इज नॉट पॉजिटिव, अगर ऐसा दिया होता इज विल बी नॉन नेगेटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, विल बी नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में हम जीरो कंसिडर करते, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू जीरो लेते, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा भी हो सकता था और ऐसा सा भी हो सकता था। ठीक है, बट पॉजिटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव में जीरो नहीं आता, दैट इज व्हाई नहीं कंसिडर किया उसको। क्लियर है, सबको समझ में आ गया सर? हाँ, पर डी इक्वल जीरो पे क्या स्टेटमेंट देंगे वो? बोल तो रहा हूँ कि विल बी नॉन नेगेटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके सर, ओके और किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन से? ये एक्सप्रेशन सबको समझ में आया, क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे समझ में आया, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 4x² + 2x + 1, बताओ कितना बेटा? नहीं गलत आ रहा है, चैट सेक्शन में टाइप करो, करेक्ट आ रहा है। प्रणब गलत है बेटा, आदित्य कैलकुलेशन मिस्टेक है। आर्यन बेटा अभी मैं बता चुका हूँ ये चीज यार, मिनिमम वैल्यू माइनस बी बाई फोर ए होती है, फिर से मत पूछो प्लीज। वर्टेक्स क्यों निकलवाया था, वर्टेक्स में सर्कल करके माइनस बी बाई फोर ए क्यों बता रहा था कि मिनिमम वैल्यू है? आंसर है 3/4। कैसे करेंगे, माइनस डी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर 4 माइनस 4 ए सी माइनस 16 डिवाइड बाई 4, ए कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 12/16, 3/4, एक मिनट का क्वेश्चन है, करेक्ट मीना? आदित्य को कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी। आर्यन आपको समझ में आया? यस सर। पक्का, डरना नहीं? नहीं सर, समझा। ओके और क्यों मिनिमम वैल्यू पॉसिबल थी, व्हाई वाज द मिनिमम वैल्यू पॉसिबल निकालना। एनीवन? सर
सर क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है। वेरी गुड बेटा, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड पैराबोला है, तो मैं मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, वर्टेक्स निकाल सकता हूँ। अगर ए लेस देन जीरो होता तो मैं मिनिमम वैल्यू निकाल ही नहीं सकता था। लाइक तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल था, मिनिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाती ना फिर उस सिचुएशन में। आई होप क्लिक कर गया होगा सबको अभी। क्या कह रहे हो बेटा? सॉरी क्या कह रहा है वो, उसकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, किसी को समझ में आया? बेटा आप टाइप कर दो। ओके एक क्वेश्चन और करो। अच्छा एक चीज बताओ, रेंज क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट होता है। तो अगर मैंने बोला कि निकाल सकते हो प्रथम इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी डायरेक्टली, फिर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एंड मिताली आपने शायद कोऑर्डिनेट वर्ड यूज किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज किया था एक टर्म, याद है? आप ही ने बोला था ना? किसी ने बोला था अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट थोड़े टाइम पहले, 10 मिनट्स पहले? निशिगंधा ने बोला था। ओके निशिगंधा, देखो बेटा क्वाड्रेंट मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता यहाँ पे? बिकॉज अगर आप निशिगंधा या आंत्रा, किसी ने बोला था, आई डिडंट सी द नेम उस टाइम पे, सर मैंने बोला था, मुझे एक्चुअली वही कहना था कि ऊपर रहेगा पर देखो क्वाड्रेंट मैटर नहीं करता, उसका भी एक रीजन है क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये वाई एक्सिस को कट करेगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रीच आउट हो जाएगा समवेयर डाउन द लाइन। अगर कोई चीज ऐसी जा रही है तो समवेयर डाउन द लाइन दिस विल कट वाई एक्सिस एंड मूव इनटू सेकंड क्वाड्रेंट एज वेल, या अगर ऐसा भी होएगा तो समवेयर डाउन द लाइन इट विल कट वाई एक्सिस एंड मूव इनटू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यू कैन नॉट डिसाइड द क्वाड्रेंट इन विच इट लाय, बस आप अबव एक्सिस और बिलो एक्सिस बता सकते हो और वर्टेक्स बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में, दैट्स इट। तो ये पिक्चर भी मतलब आपके लिए नहीं, इन जनरल भी बाकी सबके लिए भी था कि ये दिमाग, ये पिक्चर भी सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ओके तो देखो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है द आउटपुट वी गेट। लाइक पर्टिकुलर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैंने पूछ लिया होता कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो आप क्या बोलते, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है? तो देखो दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन 3/4 to infinity. वेरी गुड बेटा, 3/4 to infinity, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन 3/4 to infinity। क्यों 3/4 to infinity? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, 3/4 आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी। तो इसका मिनिमम आउटपुट जो आपको मिल सकता है इस एक्सप्रेशन में, एक्स की वैल्यूज रखोगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी, तो वाई की जो आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 3/4 मिल रही है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, इन्फिनिटी मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। तो द रेंज फॉर दिस एक्सप्रेशन इज 3/4 to infinity। क्लियर है? हो गई। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई हैव दिस एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। आपसे पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ y व्हेन x इज एन एलिमेंट ऑफ R। फर्स्ट सब पार्ट इज व्हेन x इज एन एलिमेंट ऑफ R, जब x रियल नंबर है, तो व्हाट विल बी द रेंज?
फाइंड रेंज ऑफ क्वांटिटी इक्वेशन व्हेन एक्स एलिमेंट ऑफ आर, बताएगा कोई? टू आदित्य, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी बेटा? देखो x एलिमेंट ऑफ r लिखने का ये मतलब हो गया, सही लिखा है ना, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो x एलिमेंट ऑफ r लिखने का मतलब हो गया कि x की वैल्यू, r की वैल्यू कुछ भी, मतलब x की वैल्यू कुछ भी रख लूं, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली जो क्वेश्चन कर रहे थे वही है, बस पूछने का भी डिफरेंट हो गया है। तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ए ग्रेटर देन जीरो है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस डी कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर फोर माइनस माइनस प्लस फोर ए, तो फोर ए विल बी ट्वेल्व, फोर ए सी अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन में फोर टाइम्स ऑफ ए, तो फोर ए फोर हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 16 बाई फोर माइनस फोर, तो मिनिमम वैल्यू माइनस फोर, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो रेंज क्या आ जाएगा, माइनस फोर टू इन्फिनिटी। बस एक ने सही आंसर दिया प्राची। अब फोर पे क्लोज आएगा ना, माइनस फोर पे क्लोज आएगा, दिख रहा है सबको, माइनस फोर पे क्लोज आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस फोर तो हम रीच कर रहे हैं ना, वर्टेक्स इज माइनस फोर, तो माइनस फोर हम रीच कर रहे हैं, माइनस फोर एक्चुअली में हम पहुंच रहे हैं, तो वो इंक्लूसिव होगा। ये समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया बेटा तो पूछ लेना एज अ रेज, अच्छा रेज योर हैंड जिसको नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट टफ। कुछ एक्सप्रेशन, कुछ चीजें होती हैं जो टफ होती हैं, अग्रीड, बट दिस इज नॉट सच केस। अच्छा, अब यही क्वेश्चन को अगर मैंने ऐसा बोल दिया, सेकेंड पार्ट इसका पूछ लिया मैंने, एक्सप्रेशन क्या था, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, व्हेन एक्स एलिमेंट ऑफ जीरो टू थ्री। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि सर ग्राफ क्यों पढ़ा रहे हैं अगर ग्राफ का एप्लीकेशन नहीं है, तो यहाँ पे देखो ग्राफ का एप्लीकेशन आएगा, यहाँ पे विल बी गेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। कोई बताएगा रेंज, लाइक एक्स की वैल्यू जीरो से थ्री के बीच में, वाई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है बेसिकली आपसे। रेंज क्या होता है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के बीच वाली वैल्यूज रेंज होता है मेरे पास। तो रेंज क्या होगा जीरो से थ्री में, एनी वन कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड लेट मी नो क्या सोच रहे हो, क्या थॉट प्रोसेस आ रहा है अपॉन सीइंग दिस, लाइक हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि लाइक कुछ भी हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस, क्लोज था प्रणव, प्रणव कैसे करने की कोशिश कर रहे हो बेटा, एक बार बताओगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो, ओके ठीक है, देखते हैं एक बार इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए ग्रेटर देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है इसका, एनीवन? डिस्क्रिमिनेंट डेटा कैसा है इसका, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, सी नेगेटिव दिया हुआ है। तो ग्राफ आप लोगों को पता है ना कैसा आ रहा है, एक आइडिया लग गया, द ग्राफ इज, अच्छा वर्टेक्स कैसे आ रहा है, माइनस बी बाई टू ए किधर आ रहा है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? माइनस बी रखो तो टू आ जाएगा, डिवाइड बाई टू ए, टू वन आ रहा है वर्टेक्स, वर्टेक्स इज कमिंग एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, तो ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा, ध्यान से देखना, दिख रहा है सबको? सर ये ग्रेटर देन जीरो,
हाँ तो ए ग्रेटर देन जीरो है बेटा, तो अपवर्ड पैराबोला हुआ। ठीक है, सी लेस देन जीरो दिया हुआ है, ध्यान से देखो, सी लेस देन जीरो दिया हुआ है माइनस थ्री, तो सी लेस देन जीरो माइनस थ्री आ गया। उसके बाद वर्टेक्स देख लिया, तो वर्टेक्स राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा था, अगर वर्टेक्स लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा होता तो ग्राफ शायद ऐसे पास कर रहा होता। पॉइंट समझ रहे हो वर्टेक्स का एवरीवन? देखो वर्टेक्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा होता, मतलब वर्टेक्स अगर माइनस बी बाई टू ए लेस दैन जीरो आता तो ग्राफ ऐसा पास होता। सिंस माइनस बी बाई टू ए ऐसा आया है, ग्रेटर दैन जीरो आया, तो ग्राफ ऐसा पास कर रहा है। क्यों ऐसा पास कर रहा है? देखो वर्टेक्स अगर यहाँ होता तो क्या होता है कि सी की वैल्यू आपको निगेटिव करनी है, सी की वैल्यू आपको निगेटिव करनी है। ठीक है, ए ग्रेटर दैन जीरो दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन जीरो दिया हुआ है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन जीरो का मतलब कि दो रूट तो होंगे ही। तो अगर आप ऐसा नहीं बनाओगे, ठीक है, और अगर ऐसा बना दोगे तो हमेशा आपको वर्टेक्स ग्रेटर दैन जीरो मिलेगा। यही दो पॉसिबिलिटीज है ना, ए ग्रेटर दैन जीरो और डी ग्रेटर दैन जीरो के लिए। मतलब लाइक ऐसा पैराबोला आएगा, बस आपको ये डिसाइड करना है कि वाई एक्सिस किधर रहेगी। तो देखो वाई एक्सिस इधर भी हो सकती है और वाई एक्सिस इस वाली लाइन पे भी हो सकती है, आपको डिसाइड करना है। तो y एक्सिस अगर इस वाली लाइन पे होगी तो माइनस बी बाई टू ए विल बी ग्रेटर देन जीरो। लाइक एक सेकेंड, बेटर वे में समझाता हूँ, जैसे आधे लोगों को समझ में आ गया होगा बट जिनको नहीं आया, लाइक ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो का, डी ग्रेटर देन जीरो का ये सिग्निफिकेंस तो हो गया। ठीक है, नाउ सी इज कमिंग एज लेस देन जीरो, तो सी इज लेस देन जीरो का ये सिग्निफिकेंस हो गया कि या तो y एक्सिस ये रेड वाली हो गई या तो y एक्सिस ये ब्लू वाली हो गई। नाउ हाउ टू डिसाइड विच एक्सिस इट इज? देखो अगर ये रेड वाली एक्सिस होगी तो माइनस बी बाई टू ए विल बी ग्रेटर दैन जीरो। लाइक इफ दिस विल बी एक्टिंग एज y एक्सिस एंड दिस विल बी एक्टिंग एज x एक्सिस, तो वर्टेक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर दैन जीरो। इफ माइनस बी बाई टू ए इज लेस दैन जीरो, देन ब्लू वाली एक्सिस y एक्सिस की तरह काम करेगी। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स मेरा लेस दैन जीरो आ रहा है, तो मतलब द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, राइट? बस ये दो पॉइंट समझने हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो यू गाइस कैन इजीली सी कि ये वाला ग्राफ आ रहा है मेरा, ये वाला ग्राफ आ रहा है मेरा। अगर ये वाला ग्राफ आ रहा है तो आप देखो y की इस पोजीशन में जीरो से लेकर के थ्री तक में x की वैल्यू जीरो से थ्री सब्सटीट्यूट करते हैं, तो x की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करोगे, y की वैल्यू माइनस थ्री, x की वैल्यू थ्री सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज थ्री, तो आपको क्या मिलेगा? y जीरो। कैसे जीरो मिलेगा? नाइन। हाँ y जीरो मिल रहा है। ठीक है, सब्सटीट्यूट तो y जीरो मिल रहा है थ्री पे। ठीक है, थ्री कॉमा जीरो मिल रहा है। अब देखो आप कह रहे हो कि माइनस थ्री से लेकर के जीरो के बीच में लाई कर रहे है, आप कह रहे हो कि द ग्राफ इज लाइंग बिटवीन माइनस थ्री टू जीरो, मतलब रेंज जो मेरा हो रहा है वाई की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही है? माइनस थ्री टू जीरो जा रही है। गलत है ना बेटा, देखो माइनस थ्री से भी नीचे ग्राफ जा रहा है कहीं पे, और कहाँ पे जा रहा है? वर्टेक्स पे जा रहा है, वर्टेक्स पे जा रहा है। तो वर्टेक्स की वैल्यूज मैंने क्या निकाली थी? माइनस फोर निकाली थी, राइट? तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बीच में लाई कर रहा है? माइनस फोर से जीरो के बीच में लाई कर रहा है, मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो माइनस फोर से जीरो के बीच में कोई भी वैल्यू मिल सकती है। तो द आउटपुट विल बी माइनस फोर टू जीरो, माइनस फोर टू जीरो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। रेंज विल बी माइनस फोर टू जीरो। तो माइनस फोर कैसे है बेटा? माइनस फोर अभी ये वर्टेक्स की वैल्यू निकाली थी मैंने लास्ट क्वेश्चन में, सेम ही वैल्यू है ना, माइनस फोर आ गया। हाँ। तो वो वर्टेक्स, सिंस वर्टेक्स भी लाई कर रहा है इसी रेंज में मेरा, तो माइनस थ्री से नीचे तो माइनस फोर है, तो वाई की वैल्यू माइनस थ्री से और कम तो जा ही रही है, माइनस फोर तक जा रही है ना। तो y will lie between minus 4 to 0 instead of minus 3 to 0, ठीक है? ये बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ ग्राफ से समझ में आ गई होगी अभी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बेटा अभी पूछ लो। सबको क्लियर हो गया ना कि माइनस फोर से जीरो के बीच में क्यों जा रहा है? देख मैक्सिमम वैल्यू इस पे दो ग्राफ बनाते हैं क्या? क्यों दो ग्राफ बनाओगे? एक ही ग्राफ पॉसिबल ही है तो दो कैसे बना दोगे आप? प्रथम तो
प्रथम आज आपका नेट कुछ इशू कर रहा है, शायद आपका माइक नहीं सही से वर्क कर रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। दो ग्राफ तो मैं दिखा रहा था कि ग्राफ कौन सा सिलेक्ट करना है, ये माइंड में पहले से ही क्लियर हो जाएगा, ग्राफ यही बनेगा। मतलब मैं पॉसिबिलिटी बता रहा था कि इन डेटा के बेसिस पे कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल थे, बट बेस्ड ऑन वर्टेक्स हमने शॉर्टेस्ट कर लिया कि यही वाला पॉसिबल है। दो ग्राफ नहीं बनाते हो, ठीक है। लेट्स से सेम क्वेश्चन है, लेट्स से सेम क्वेश्चन से इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, रेंज बताओ। क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एंड x एलिमेंट ऑफ दिया है इस बार माइनस टू से जीरो। तो लेट मी नो द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मतलब रेंज बताओ, रेंज बताओ फॉर दिस थिंग, ट्राई करो एक बार। अगेन ग्राफ देखो सेम है, ग्राफ इज सेम, एक्सप्रेशन सेम है तो ग्राफ भी सेम ही होगा, ठीक है। जीरो पे, जीरो पे वैल्यू इज माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू माइनस थ्री आ रही है, एक्स की वैल्यू माइनस टू रखो, एक्स की वैल्यू माइनस टू रखो तो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस थ्री आ रही है, माइनस थ्री क्यों आ रही है, फोर प्लस फोर फाइव आ रही है ना, माइनस फाइव, माइनस फाइव आ रही है। तो देखो अब यहाँ पे कोई मैक्सिमम मिनिमम का चक्कर ही नहीं रहा, एक सेकेंड, वाई की वैल्यू प्लस फाइव आ रही है, सॉरी, मैक्सिमम मिनिमम का चक्कर ही नहीं रहा, क्योंकि ग्राफ कैसा है, एकदम एक्सपैंडिंग है, तो बीच में ऐसा कोई मिनिमम पॉइंट नहीं मिल रहा ना कि ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा जैसे इस वाले केस में मिल रहा था, जीरो से थ्री वाले केस में जैसा मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो रहा है कि ग्राफ एकदम नीचे से स्टार्ट होकर के एकदम ऊपर की तरफ एक्सपैंड कर रहा है। तो देखो रेंज क्या आ जाएगा, रेंज विल बी माइनस थ्री टू फाइव, मतलब वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में मिलेगी आपको, माइनस थ्री से लेकर के फाइव तक के बीच में सारी वैल्यूज मिलेंगी, x डिपेंडिंग अपॉन की x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। क्लियर हुआ डोमेन और रेंज, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ना। हाँ सर, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज if ax square plus bx, if ax square plus bx plus 10 is equals to 0 does not have real and distinct roots, does not have real and distinct roots, find minimum value of five a minus b. Find minimum value of five a minus b. अच्छा छोड़ो ये वाला क्वेश्चन मत करो, ठीक है। मैं ग्राफ बता रहा हूँ, लेट इट बेस क्वेश्चन को मत करो, ठीक है। मैं ग्राफ्स बता रहा हूँ, आपको साइन बताना है कि क्या क्या होगा। सबसे पहले ए का बताना, फिर बी का बताना, फिर सी का बताना, फिर डी का बताना, फिर अल्फा प्लस बीटा का बताना,
एंड अल्फा और बीटा का बताना उसके बाद, ठीक है? तो द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज, द फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट ग्राफ इज अब ए का साइन बताओ इसमें एवरीवन, मतलब बोल के बताओ, अनम्यूट करो तेज, सबको ही बोलो ऐसे के स्टूडेंट। ए नेगेटिव, ए लेस देन जीरो, करेक्ट। सी कैसा रहेगा इसके लिए? पॉजिटिव, मार पड़ेगी अभी। सी नेगेटिव होगा ना? क्यों सी नेगेटिव होगा? देखो वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा इसका? डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा इसका? ग्रेटर दैन जीरो होगा, क्योंकि दो रियल रूट्स आ रहे हैं, एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा कैसा है इसका? अल्फा प्लस बीटा लेस दैन जीरो है, क्योंकि दोनों रूट्स कैसे हैं? लेस दैन जीरो हैं। अल्फा बीटा एक्स एक्सिस की वैल्यूज होती है ना, देखो दोनों जीरो से कम है, दोनों जीरो से कम है, तो दोनों का वैल्यू लेस दैन जीरो आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा होगा यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, ग्रेटर दैन जीरो हो जाएगा, ठीक है? अब बी कैसा होगा यहाँ पे? नेगेटिव। कैसे बी नेगेटिव होगा बेटा, बताना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव होगा ना? पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव हाँ, होगा बेटा बताओ। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है, तो अगर तो अल्फा प्लस बीटा इज लेस दैन जीरो एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए होता है, माइनस बी बाई टू ए। तो दिस वैल्यू इज लेस दैन जीरो, नहीं सॉरी माइनस बी बाई ए, दिस वैल्यू इज लेस दैन जीरो एंड इफ दिस वैल्यू इज लेस दैन जीरो तो और ए भी लेस दैन जीरो है, नेगेटिव नेगेटिव, तो बी शुड बी लेस दैन जीरो ना। नहीं क्लियर हुआ? फिर से देखो, वर्टेक्स से देख लो। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी बाई ए होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, राइट? तो माइनस बी बाई ए। अब एक अल्फा प्लस बीटा कैसा दिया हुआ है? लेस दैन जीरो दिया हुआ है, लेस दैन जीरो दिया हुआ है। ए कैसा है? ए इज लेस दैन जीरो, तो ये भी नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। तो बी कैसा आ रहा है? लेस दैन जीरो, बी लेस दैन जीरो हो गया इसके क्वेश्चन के लिए। वर्टेक्स से भी करना चाहो तो देखो, माइनस बी बाई टू ए इज लेस दैन जीरो, अगेन ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगेन बी इज लेस दैन जीरो, वहां से भी वही आएगा। क्लियर हुआ? चेंज yes. करते हैं नेक्स्ट पोजिशन, नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ इज ऐसा, तो वर्टेक्स यहाँ कहीं लाई कर रहे हैं। ओके, तो ए का साइन नेगेटिव, लेस दैन जीरो। बी का पॉजिटिव, नेगेटिव, लेस दैन जीरो, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है। ए कैसा आ रहा है? ए इज लेस दैन जीरो, तो नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो बी कैसा आ गया? ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है, ठीक है? सी कैसा है? पॉजिटिव, सी इज पॉजिटिव, ओके। डी कैसा है? ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दो रियल रूट्स हैं, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा कैसा आएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो आएगा। वर्टेक्स राइट में लाई कर रहा है ना, और वर्टेक्स बीच में होता है, तो लेट्स से ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा ज्यादा बड़ा है, लाइक दिस वैल्यू इज, लेट्स से समझ रहे हो ना, ये नंबर लाइन पे ये छोटा सा डिस्टेंस है, नेगेटिव कम हो गया, बीटा ज्यादा है, बीटा पॉजिटिव है, तो ग्रेटर दैन जीरो। और अल्फा इनटू बीटा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, लेस दैन जीरो, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो अल्फा इनटू बीटा लेस दैन जीरो, ठीक है? तो ऐसे आप ग्राफ के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर सकते हो, कुछ भी आपसे पूछेगा आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, इसमें आपने सी कैसे निकाला?
बेटा सी देखो कहाँ पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, पॉजिटिव साइड पे कट कर रहा है, तो ग्रेटर देन जीरो। और सर एक बार ही क्या बता दो बेटा, ए यस सर। बेटा डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए लेस देन जीरो है, अपवर्ड पैराबोला है तो ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। और सर उसका क्वाड्रेंट का तो कोई चक्कर नहीं है? नहीं, इससे क्वाड्रेंट का कोई चक्कर नहीं है, वर्टेक्स के लिए क्वाड्रेंट का चक्कर है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15, मिनिमम वैल्यू। सर मिनिमम वैल्यू पता नहीं है ना। माइनस वन आ रहा है, चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, 256 माइनस 60 240, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज माइनस अपॉन 4a विल बी 16। हाँ तो माइनस वन आ रहा है, राइट। मिनिमम वैल्यू इज माइनस वन। सो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आप मैक्सिमम और कैसे आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स इट, होल्ड करते हैं आज का लेक्चर। आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स एंड अपार्ट फ्रॉम दी अदर्स, आज के लिए मैं अभी ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट प्लीज इंश्योर कि आप जो प्रीवियस असाइनमेंट था इनइक्वालिटीज वाला वो कवर कर लो। मैं देखूंगा, अगर बहुत क्वेश्चन असाइनमेंट दूंगा भी ना तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन ही दूंगा जो बहुत इजी से होंगे, लाइक एज इन की साइन ऑफ ए बी सी डी ई ये सब बताना पड़ेगा और ऐसा कुछ, ठीक है। तो आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स एज वेल सर। हाँ बेटा, ये जो अभी आपने पढ़ाया ये टेस्ट में भी आने वाला है? हाँ, जो मैंने बोल रखा है कि जो मैं सैटरडे तक पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें टेस्ट में आएंगी। ओके सर, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय सर, बाय बाय सर, सर बाय बाय सर, बाय सर सर।